90 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का नाम ईसीएल में डालने के हवाले से सिफारिश की गई है। वफाकी काबीना की जिली कमेटी ने शहजाद अकबर, मुराद सईद, फराह गोगी, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी है। 90 मिलियन पाउंड केस चेयरमैन पीटीआई और उनके करीबी साथियों के गिर्द घेरा तंग हो गया। वफाकी काबीना की जैली कमेटी बरए ईसीएल के इजलास में वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी और वजीर मुआसरात रेलवे शाहिद अशरफ तारा ने शिरकत की। इजलास में ईसीएल से मुतालिक मुख्तलिफ नौयत के केसेस का जायजा लिया गया। जैली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 40 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की। ज़राए के मुताबिक नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल्स अलकायदा ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद को ईसीएल पर डालने की सिफारिश की गई, जिनमें शहजाद अकबर, मुराद सईद, फराह गोगी, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी शामिल हैं। जैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएगी। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की सिफारिश की गई।